अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू गाइस डूइंग? वेरी वेल। सो दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑफ 365 डे सीरीज। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने डेली लाइफ में दिन कैसे गुजारती हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं नाश्ते के बाद से तैयारी की, जो कि मैं कहीं जा रही थी तो मैंने जो है वो प्रिपरेशन करके रखी थी। उसके बाद जो है वो वहाँ से वापस आने के बाद दोपहर को थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद जो है वो मेरी शाम का टाइम हो गया था, जिसमें मुझे एक घंटा दो घंटे पढ़ना होता है। उसके बाद जो है पढ़ कर मैं साथ के साथ नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। इन दोनों चीज़ों को पढ़ कर वैसे पढ़ती नहीं हूँ, उसके बाद मैं इन दोनों चीज़ों को प्रिजर्व करती हूँ। प्रिजर्व करने का तरीका जैसे कि हम सब जानते हैं, यूट्यूब वीडियोस बहुत अच्छा होता है, उससे आपकी इनकम सोर्स भी जनरेट होती है और आप जो पढ़ाई करते हैं वो वेस्ट भी नहीं होती है। तो वीडियोस जो है वो वहीं पे मैं पढ़ती हूँ, पढ़ने के बाद मैं वहीं पे वीडियो बनाती हूँ, वीडियो बना के मैं एडिटिंग करती हूँ। एडिटिंग करने के बाद शाम हो जाती है, शाम की चाय के बाद कुछ बर्तन, और फिर हमारी जो है नमाज़ का टाइम हो जाता है। नमाज़ के बाद जो है वो हम स्नैक्स टाइम हमारा होता है। अगर हमारे पास टाइम होता है तो हम स्नैक्स बना लेते हैं, अगर हम स्नैक्स नहीं बनाते हैं तो हम डायरेक्ट फिर डिनर की तैयारी करते हैं। तो आज हमारे पास स्नैक्स टाइम था, जिसकी जो रेसिपी मेन्यू था वो था जिंगर पॉकेट्स। हमने पहली दफ़ा ट्राई किए थे और बहुत मज़े के बने थे। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। जिंगर पॉकेट्स को एंजॉय करने के बाद, ये जो सारा खिलारा हमने मचाया हुआ था, इसकी सफाई मैंने की। सफाई करने के बाद तब जो है हमारा इशा का टाइम हो गया था। इशा के टाइम जो है वो हमारा डिनर टाइम होता है। तो डिनर टाइम के लिए प्रिपरेशन रेडी की थी, क्योंकि जिंगर तो हमने दो तीन लोगों ने मिलकर खाए थे, बाकी घर वालों के लिए तो डिनर रेडी करना था। तो डिनर रेडी करने के बाद किचन की सफाई फिर से की। किचन की सफाई करने के बाद हमारा टाइम हो जाता है नमाज़ पढ़ने का, खाना खाने का, खाना खा के नमाज़ पढ़ना, नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर फ़ोन यूज़ करना और फिर सो जाना। इसी तरह से अगले दिन की शुरुआत होती है फजर की नमाज़ से, और फिर सेम रूटीन हमारी फॉलो होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।